रायगढ़ में संचालित विशेष बच्चों की संस्था उम्मीद विशेष विद्यालय में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। कोहाकुंडा रायगढ़ में उन्नायक सेवा समिति के द्वारा जिले में लगभग 150 विशेष बच्चों की देखरेख की जाती है। आयोजित दिव्यांग बच्चों के शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सहायक कलेक्टर श्री संबित कुमार मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग उप संचालक समाज कल्याण विभाग रायगढ़ श्री रमेश चंद्र साहू, जिला बाल संरक्षण अधिकारी रायगढ़ एवं सरनजीत सिंह सलूजा, श्री सुनील अग्रवाल लेंथरा एवं अन्य समाज सेवी गण उपस्थित थे। शाला प्रवेश उत्सव में सभी विशेष बच्चों को स्कूल बैग, जूता, मोजा, पेंसिल व कंपास का वितरण रायगढ़ के समाज सेवियों द्वारा वितरित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को भी पढ़ने का अधिकार की जागरूकता फैलाना था। इन विशेष बच्चों को साधारण बच्चों के साथ ताल मिलाकर आगे बढ़ने का मौका मिल सके, इस बात को आम जन तक पहुंचाने का बेहतर प्रयास उन्नायक सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है। आज यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और कोशिश करूँगा बार बार आते रहूँ। यहाँ पे कुछ ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। आज यहाँ शाला प्रवेश उत्सव का प्रोग्राम किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि हर स्कूल में ये प्रक्रिया होती है, तो आज हम इन बच्चों के साथ इस शाला प्रवेश उत्सव का प्रोग्राम मना रहे हैं, जो कि मानसिक रूप से कमज़ोर हैं लेकिन किसी भी क्षेत्र पे अपने अधिकार के लिए पीछे नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि समाज में जैसे सारे बच्चों को खुशियाँ, अधिकार और अपना हक लेने का जो एक अधिकार है, वो अधिकार इन बच्चों को भी मिले। इसीलिए आज का ये प्रोग्राम इन बच्चों को इनकरेजमेंट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और इन्हें वो सब खुशियाँ देने के लिए है जो एक सामान्य बच्चे को दी जाती है। तो इस टाइप के प्रोग्राम इन बच्चों के बीच में होते रहने चाहिए, जिससे कि समाज में एक जो ये वो है कि ये बच्चे कमज़ोर हैं, इन बातों को हटाया जाए और इन्हें समान अधिकार दिया जाए। हाँ, एक्चुअली इस टाइप का कार्यक्रम ये हमारा पहली बार हो रहा है और ये एक जस्ट एक समाज को मैसेज देना था कि जो मूकबधिर बच्चे होते हैं या जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, वो भी उनको भी पढ़ने लिखने का हक है, वो पढ़ लिख सकते हैं, उनके वो भी अच्छे भविष्य बना सकते हैं पढ़ लिख के। तो ये सब चीज़ के लिए हम एक शाला प्रवेश उत्सव मनवाए थे, तो जिसके तहत हमारे संस्था के द्वारा बच्चों को जो जो चीज़ निःशुल्क प्रदान की जाती है, जैसे ड्रेस हुआ, चप्पल हुआ, जूता हुआ या उनके बैग, जो भी कॉपी पुस्तकें जो भी है, वो सब प्रदान किया गया है। और कुछ समस्याएं आपने बताई महोदय? हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे जो ज़मीन में हम लोगों का संस्था संचालित है, वो संस्था जो है अभी नीचे एक बिल्डर के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, उसका ज़मीन को डेवलप किया जा रहा है और अभी नाप जोक करके हमारे संस्था का जो आधा हिस्सा वो टूट जाएगा। अगर उनका नाप जोक को अगर सही माना जाएगा तो हमारा आधा हिस्सा टूट जाएगा, जो कि हमारा जो 15 साल का जो मेहनत है वो हिस्सा अगर टूट जाता है, 15 साल का जो मेहनत है वो हमारा मान के चलिए कि ख़त्म हो जाएगा, माने हम टूट जाएंगे, हमारी संस्था जो है टूट जाएगी। इसलिए उसके लिए भी हम साहब को निवेदन किए हैं कि कम से कम हमारा वो जो समस्या का निराकरण कराइएगा। प्लस यहाँ हम जिस ज़मीन में संस्था चला रहे हैं वो 4.5 एकड़ का ज़मीन है, इसको अगर हमारे संस्था के नाम से, जो रजिस्टर्ड संस्था उन्नायक सेवा समिति है, उसके नाम से अगर दे दिया जाता है सरकार के तरफ से प्रॉपर प्रोसीजर के तहत, तो हम लोग यहाँ हमारे द्वारा जो संचालित 6 संस्थाएँ हैं रायगढ़ टाउन में, उसको इकट्ठा एक कैंपस में संचालित करने के साथ साथ एक 25 बेड का हॉस्पिटल भी हम चला सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास पैसा तो है लेकिन हम लोग उसको व्यवस्था नहीं है, जगह की कमी है, इसके चलते हम व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हमारे संस्था में ऐसे बच्चे जो विशेष देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इन बच्चों को हम विशेष रूप से प्रशिक्षण और शिक्षण देते हैं। आज इन बच्चों के उत्साह के लिए हमने यहाँ पर शाला प्रवेश उत्सव किया है और इन बच्चों को हमने शुभकामनाएं दी और बेहतर प्रदर्शन करेंगे बच्चे, ऐसे ही आज के इस कार्यक्रम में हमारे सहायक कलेक्टर महोदय उपस्थित थे और उनके मार्गदर्शन में आज का ये कार्यक्रम संपादित हुआ। कुछ समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया आपके द्वारा?
समस्याएं तो छोटे मोटी सब लगी रहती हैं, लेकिन हमारा जिला प्रशासन के साथ में बेहतर समन्वय है और उसके माध्यम से सारी समस्याओं का निराकरण हुआ है। Log on to www.clips.in.